अच्छी चीज मुझे इस वीडियो में यह लगी कि कोई बंदा ऐसा दिखा नहीं जिसने बोला भाई मर गए। हाँ, गाई है ऐसी बात है। ना तो कोई ना कोई एक लेडी। हाँ, हालांकि लेडीज जो शोर करती है मचाती है, कोई ना कोई नुक्ताचीनी उनकी हो ही जाती है, लेकिन यहाँ पर तो भाई वो भी नहीं दिखाई दिया। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज एक बार फिर हम नेशन टॉक्स का वीडियो देखने जा रहे हैं। जो होस्ट है वो मार्केट में जाके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्राइसेस पूछ रहे हैं लोग शॉपकीपर से, और वहाँ जो पब्लिक है उनसे पूछ रहे हैं कि वो प्राइस रमज़ान के वक्त बढ़ा दी गई है या फिर जो पहले चलती थी वही प्राइस अभी भी है। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया खरीद हो रही है। महंगाई तो नहीं लग रही है, बहुत महंगा, बहुत सस्ता है। सच्चा रमजान में आप जो सामान वामान खरीदते हैं, रेट वेट सही है सब? बिल्कुल सही है सब। तो ये सेब क्या रेट है भैया? 130 रुपए किलो चल रहा है। क्या रेट? 130। क्या रेट है भाई अंगूर? अंगूर 50 रुपए 60 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में। क्या रेट है भैया बताओ अलग अलग? भाई ये 70 रुपए किलो है और वो 60 रुपए किलो। कद्दू कैसे दे रहे हो बताओ? अच्छा, 20 रुपए किलो। ये 10 रुपए पाव। और ये लौकी 20 रुपए किलो। और बैंगन 20 रुपए किलो। खीरा कैसे दे रहे हो? 10 रुपए के 10। हम ये बच्चों को फूड बेच रहे हैं, बच्चों की फ्रॉक बेच रहे हैं, 150 के 2 आइटम, 150 के 2 आइटम। 10 रुपए का पीस है ये, 5 रुपए का पानी जी, वो नमकीन समोसा 5 रुपए का। क्या रेट है भाई आपके यहाँ? 160। कुछ कोई कम वम करने कहता है तो कम वम कर भी देते हैं? हाँ, हो जाता है। आपका किचन अच्छा चल रहा है? किचन बहुत बढ़िया चल रहा है, बजट में आ रहा है। तरबूज का भी भाव गिर गया है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाली 240 में है। अच्छा। ये वाली 260 में है, 220 में है, ये वाली 260 में है। अच्छा अच्छा, क्या कर रहे थे आप? इंडिया जिंदाबाद, चीन मुर्दाबाद। जैसा कि शोएब भाई वहां पर दिखा रहे थे कि अंगूर 1600 रुपए किलो हैं पाकिस्तान के अंदर, यहां पर 50 रुपए किलो हैं। तो यहां पर अंगूर खट्टे नहीं हैं, वहां पर अंगूर खट्टे हो सकते हैं। समोसा वहां पर 60 रुपए का था, यहां पर 5 रुपए का है। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान हूँ, आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि जो रमजान में शॉपिंग यहाँ पर चलती है, लोग सामान खरीदते हैं खाने वाला, उनका प्राइस बताएं, और लोगों से पूछे कि उनके दाम बढ़े या नहीं बढ़े हैं। उसी टॉपिक को आज हम कवर करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ी एक मार्केट है, यहाँ पे लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं। छोटा सा सिटी है बाराबंकी, वहीं के मार्केट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सब हिंदू मुस्लिम मिक्स दुकानें हैं। यहाँ पर जो इस समय मेन शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं लोग, वो ज़्यादातर मुस्लिम आ रहे हैं, क्योंकि इस समय ईद आने वाली है, रमजान चल रहा है। क्या बेच रहे हो भाई आप? क्या कपड़े बेच रहे हैं? क्या रेट ये, क्या कितने रुपये? 75 रुपये की। ये 150 की है। और ये जीन? ये भी 150 की। तो इसमें कुछ कम हम करते हो कि जो फिक्स रेट होता है वही फिक्स है? 10-5 रुपए इधर उधर हो जाता है, 5 रुपए कम। तो अभी ईद के लोग कपड़े खरीदने लगे हैं कि थोड़ा सा टाइम लेंगे अभी? और 15 रमजान के बाद ही होगा, इससे भी यही में आएगा। अच्छा, इधर क्या भाई? इधर आओ, इधर भैया, इधर इधर। लहसुन क्या रेट दे रहे हो? लहसुन क्या रेट दे रहे हो? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। अच्छा, ये भैया पपीता क्या रेट? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। मैडम महंगा? नहीं, महंगा नहीं बेच रहे। बढ़िया है? सब बढ़िया। नहीं नहीं सर, महंगाई रमजान की वजह से तो नहीं बढ़ी? नहीं नहीं, सब ठीक है। अच्छा, इधर पूछ लेते हैं फ्रूट्स वगैरह का कुछ। भाई क्या रेट दे रहे हो आप ये? 20 रुपए किलो भाई, 40 में। खरबूजा? अच्छा, और ये आपका पपीता क्या रेट दे रहे हो? 40 रुपए किलो। ये जो आप रेट दे रहे हो, मतलब खजूर दे रहे हो, क्या रेट है? ये 200 रुपए किलो है खजूर। 200? ये 240 में है वैसे खजूर। और ये 120 में। तो अभी महंगाई जो रमजान में पहले थी उससे बढ़ी तो नहीं है कुछ? नहीं, वही रेट है सब। ज्यादा फायदा तो नहीं लेते? नहीं नहीं नहीं, महंगा तो नहीं है? ठीक है, जो रेट मिल रहा है सही है। 20 रुपए में तरबूज मिल रहा है महंगा? हम तो नहीं कहे महंगा। नहीं, आप बताइए। नहीं नहीं, ठीक है, महंगा नहीं है। कुछ ज्यादा महंगाई रमजान में तो नहीं बढ़ी? नहीं, सही है, सही। ठीक, धन्यवाद। क्या हाल है भाई जान? हाँ, बढ़िया भाई जान। क्या रेट है बताओ कुछ? ये सिरमाल जो है 15 रुपए की, कुर्चा 15 रुपए का, ये कबाब जो है 10 रुपए का है। ये क्या रेट है? ये जो है 20 रुपए का एक पीस है। इधर आ जाना, इधर आ जाओ। ये 16 रुपए की 100 ग्राम है, 160 रुपए के। ये भी 160 रुपए के। ये भी सब 160। ये 10 रुपए का पीस है, ये 5 रुपए का है जी।
वो नमकीन समोसा 5 रुपए का। नमकीन लो और चाहे मीठा वाला लो, सब एक का रेट है। अच्छा वो जो रखे हुए ब्रेड शाही टुकड़ा जो है 50 रुपए का एक, 50 रुपए का एक, तो लोग खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, रेट वेट अच्छा सही है। इधर देखें रेट वेट सही है, हाँ ठीक है रेट बढ़िया। 5 रुपए का समोसा सही लग रहा है कि इसमें ये 2-4 रुपए ज्यादा ले रहे हैं? नहीं सही है। तो कोई भाई रेट वेट तो नहीं बढ़ा? रमजान के पहले जो रेट था वही रेट है अभी? इसमें जो है कमी बेचा जाता है कि लोग अफ्तार के लिए ले जाए ज्यादा से ज्यादा। ये थोड़ा इतना अच्छा जो है महीना है, इसमें लोग दान वान करते हैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से, अपनी तरफ से भी करें लोग जो है इसका जो है लाभ का भाई। क्या रेट है बताओ आप थोड़ा, ये बताओ ये क्या रेट दे रहे हो आप खजूर? 300 रुपए में बिक रही मार्केट में, केमिया गोल्ड 300 रुपए किलो बिक रही है, ये 240 रुपए में बिक रहा है। अलग अलग। और ये वाली जो आप दे रहे हो क्या रेट है? बरबरी खजूर 120 रुपए किलो। तो ये जो प्राइस बता रहे हो इसमें थोड़ा बहुत कम भी कर देते हो कि मतलब बस जो बता हो जाता है 10-5 रुपए कम हो जाएगी? अच्छा ये जो कुछ मतलब ये तलने वाले सामान है पापड़ वापड़ टाइप में, ये थोड़ा बताना क्या प्राइस में? ये 60 रुपए में, 60 से 55, 60 रुपए में 55 रुपए किलो दे देते हो? जी जी। और ये चाइना पापड़ है, ये चाइना, ये चाइना पापड़ आपको मिलेगा 70 रुपए किलो। इंडियन वाले बताओ चाइना वाला क्या करेंगे हम लोग खरीद के, पता चला हो कहीं प्लास्टिक व्लास्टिक वाला हो? 60 रुपए केजी मिलता है, 60 से 55, ये चाइना वाला 70 रुपए। तो ज्यादा कौन सा लोग खरीद रहे हैं, इंडियन वाला कि चाइना वाला? इंडिया इंडिया। तो ये बताइए भाई आप जैसे ये जो चीजें हैं रमजान से पहले सेम रेट था कि रमजान जब आ गया तो चीजें थोड़ा प्राइस वगैरह बढ़ गया? नहीं सेम रेट है, थोड़ा फॉल्ट है बस, मतलब 1-2% बस बढ़ा हुआ है रेट थोड़ा, लेकिन सही है। फायदा कम लेके बेचा करो, रमजान का टाइम चल रहा है, अच्छा टाइम, फायदा लेकर बेच रहे हैं, लेकिन आगे तो महंगा आता है तो वही रेट में बेचना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा अच्छा क्या कर रहे थे आप? इंडिया जिंदाबाद, चीन मुर्दाबाद। अरे मुर्दाबाद कोई नहीं, सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह, है ना? नहीं हमारे लिए तो हमारा सबसे प्यारा हिंदुस्तान है, लेकिन हम किसी देश को क्यों इतना बुरा कहेंगे? अच्छा चलिए और पूछते, अच्छा आप ये बताइए सामान वामान खरीदते हैं सब आराम से काम चल जाता है? हाँ चल जाता है। कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं, मतलब आराम से ले जाते हैं, खाना पानी सब मस्त चल रहा है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताइए। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया खरीद हो रहे हैं, महंगाई तो नहीं लग रही है? बहुत महंगा, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। सर आइए देखते हैं आगे चीजें, अगल बगल में भी कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग। ये प्याज वाले भाई साहब हैं, प्याज सस्ता है? प्याज बहुत इस समय बिल्कुल सही रेट से चल रहा है, हर मुस्लिम के लिए, हर इंसान के लिए जो चीजें सस्ती होती है वो फार बेटर होती है। आपका किचन अच्छा चल रहा है? किचन बहुत बढ़िया चल रहा है, बजट में आ रहा है, तरबूज का भी भाव गिर गया है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए भैया प्याज का रेट? 15 रुपए किलो। और कुछ कम करते हो, कोई ज्यादा लेता है मान लो 2-4 किलो 5 किलो लेगा तो? 70 रुपए की 5 किलो, 70 रुपए 5 किलो। इस समय आलू का भाव भी बहुत अच्छा चल रहा है, पापड़ कचड़ी भी बनाइए और साथ साथ में घर में अपने सब पूरे फैमिली के साथ खाइए, मस्जिद भी भिजवाइए। अच्छा आप बताइए कोई महंगाई तो नहीं बहुत ज्यादा? नहीं बहुत ज्यादा महंगाई। क्या रेट है भाई ये जो आप दे रहे हो? 140 रुपए। 140 रुपए में, अगर कुछ कम ज्यादा कोई कहता है तो कर देते हो? नहीं मतलब फिक्स रेट? नहीं 160 चल रहा है, 40 का 250, मतलब 160 में, मतलब 140 में बेचते हैं। 140 रुपए किलो दे देते हो आप ये? भाई क्या बेच रहे हो आप? भैया ये कैसे दे रहे हो आप? 35 का 250। हाँ ये कालो बताओ किलो में? 140 रुपए किलो। ये 10 रुपए जी। और ये 60 रुपए की 250 ग्राम, 50 रुपए का एक, इसको कहते हैं शाही पीस जी, एक नंबर। ये उस पर क्रीम लगी हुई थी, हाँ क्रीम लगी हुई थी, और ये रमजान शरीफ में बहुत बिकता है। ये समोसा, ये मीठा समोसा इसको कहते हैं, कितने रुपए का? ये 10 रुपए, ये 2 हैं, 5 रुपए का एक है, अंदर खोया है, एकदम खाने में एकदम मस्त लगता है, एकदम मस्त। कद्दू कैसे दे रहे हो बताओ? अच्छा 20 रुपए किलो। ये 10 रुपए पाओ। और ये लौकी 20 रुपए किलो। और बैंगन 20 रुपए किलो। ये आम, ये तो इसमें ये, महंगा हाँ ये 15 रुपए का है। अच्छा टमाटर क्या रेट है? 15 रुपए 20 रुपए। ये धनिया 15-250। अदरक 30 की 250। तो मतलब बढ़िया चल रहा है, लोग खरीद रहे हैं, कोई बहुत महंगी महंगी तो चीजें नहीं लग रही? महंगी कहाँ है सर, सब तो बढ़िया चल रहा है। खीरा कैसे दे रहे हो? 10 रुपए के 10। 10 रुपए के 10।
बहुत सस्ता है, मतलब लगभग एक किलो हो जाता होगा ना 10 रुपए में। अच्छा भैया मूली कैसे दे रहे हो? 20 की 5। और वो जो आप ये बता रहे हो मतलब एक किलो 20 रुपए के एक किलो, 100 का 2 किलो, 100 का 2 किलो। अच्छा तो बढ़िया अनार है, आप ले रहे हैं बढ़िया ले रहे हैं क्या, कुछ गड़बड़ लग रहा है भैया? अब देखें तो सही लग रहे हैं, बाकी जब ले जाएंगे खोलेंगे तब पता चलेगा। अभी इसके बाद में पता चलेगा कैसे हैं। क्या रेट है भाई अंगूर? अंगूर 50 रुपए 60 रुपए किलो बिक रहा है भाई मार्केट में। 50 रुपए किलो भी आप दे देते कम अगर कराता है कोई मान लीजिए, है ना, बाकी आप 60 रुपए प्राइस है। 60 रुपए किलो। ये ब्लैक वाला क्या रेट है भैया? ये बिक रहा है 120-100। ये महंगा है ये सस्ता है क्यों ऐसा, मतलब काला है इसलिए? नहीं वो काला है और वो इससे महंगा भी आता है। एक बात बताइए कि लगभग आप ये बताइए कि कितने साल से आप फ्रूट्स बेच रहे हैं? मतलब फल कितने साल से? हम बेच रहे हैं भाई हो गए 10 साल, 10-12 साल। तब से अब तक सबसे महंगा अंगूर किस रेट में बिका है? 80 लंबे वाली। हाँ बस, मतलब मैक्सिमम अगर आज आप अपनी 10 साल की जनरी में बेचे हैं, जब से आप बेच रहे हैं तब तो 80 रुपए किलो अंगूर बेचे हैं बस। बस आखिरी है 80-100। आप बताइए। हमने उधर पूछ लिया। अच्छा ये क्या रेट है बताओ? 20 में। अरे इधर आओ यार। 20 में। 20 रुपए? 20 रुपए किलो। ये स्ट्रॉबेरी? यहाँ स्ट्रॉबेरी 30 रुपए की। 30 रुपए। ये क्या रेट? 40। अच्छा एक आगे जो लगाए थे खरबूजा दे रहे थे 20 रुपए किलो, वो 2 नंबर माल है। ये क्या रेट है आपका? ये 40। आप भी भैया क्या रेट दे रहे हो? 60 रुपए किलो जी। 60 रुपए किलो। अच्छा मतलब 50-60 रुपए चल रहा है। बाबू माल है बाबू का। भैया खरीद रहे हो कुछ अच्छे से खरीद रहे हो? न कोई दिक्कत नहीं है, चाचा सही है, सही कोई दिक्कत नहीं। आप चिकन स्पेशलिस्ट हैं मान लीजिए, है ना? क्या रेट है भैया आपके यहाँ? 160। कुछ कोई कम वम करने कहता है तो कम वम कर भी देते हैं? हाँ हो जाता है। क्या क्या जो है भाईजान रेट चल रहा है इस समय खजूर का? खजूर सबसे ज्यादा हमको लगता है रमजान में लोग यूज करते हैं ना, आज ही के टाइम में मतलब जो पूरा एक महीना होता है इसमें सबसे ज्यादा खजूर बिकती है। क्या रेट आप थोड़ा बताएंगे हमको? 120 रुपए किलो से 100 रुपए किलो। 120। ईरानी खजूर 120 रुपए 100 रुपए किलो है, बरारी खजूर 120 रुपए किलो है। ये वाली 240 में है, ये वाली 260 में है, 220 में है, ये वाली 260 में है। ये वाली कलमी खजूर सबसे अच्छी वाली जो है 500 रुपए किलो, सबसे अच्छी वाली ये डंठल वाली है, ये भी ये 300 रुपए किलो है। ये कच्ची पक्की खजूर है, ये जो है 350 रुपए किलो है। तो ये जो है इसमें कुछ कम करते हो कि बस जो बता दिए फिक्स एकदम? मान लो कम कर देते हैं 10 रुपए 20 रुपए किलो कम कर देते हैं, रेट बता के 10 रुपए किलो कम कर देते हैं। तो बढ़िया से आपके रमजान चल रहे हैं? हाँ रमजान तो चल रहे हैं, बढ़िया से चल रहे हैं। आज ही के दिन ज्यादा, जुमे के दिन ज्यादा बिकती है खजूर। अच्छा। बाकी आन दिन में नहीं ज्यादा बिकती है। तो अभी जो है लोग अच्छा खासा शॉपिंग कर रहे हैं इस समय? शॉपिंग कर रहे हैं, खजूर ले जा रहे हैं रोजा खोलने के लिए। अरे खजूर ऐसा करते होंगे 1 किलो ले जाते होंगे 2 किलो, तो फिर 7-8 दिन चल जाते हैं, 1 हफ्ता चलाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मान लेते हैं ये वो कहते हैं ना स्क्रिप्टेड वीडियो है, पता चल जाता है। वो देखे माइक कैसे आगे बंदों के घर, कोई जान पहचान नहीं, ऐसे 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 लगातार माइक कर रहे हैं, और कोई बंदा ऐसा बीच में मजदूर होंगे, मिडिल क्लास होंगे, अच्छे लोग होंगे, ऐसे बाजारों में जो ना मुझे लगता है कि वो लोग आते हैं जो बिल्कुल मिडिल क्लास गरीब, और बड़े लोग तो आपको पता है बड़े मार्केटों में जाते हैं। तो ये वो लोग थे जो नीचे तबके के थे, लेकिन फिर भी आप देखें एक बंदे के मुँह से भी ये नहीं निकला कि महंगाई। पहले यही चीज़ें देखनी है कि भाई रमज़ान में जो प्राइस वहाँ पर चल रही है, क्योंकि हमने काफ़ी वीडियोस देखी भी हैं, लेकिन ये लोकल मार्केट है और बिल्कुल भाई सब अपना रमज़ान की तैयारी में रमज़ान के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं। वैसे भाई हिंदू मुस्लिम भाई वो सब मिलकुल जुल कर भाई अपनी शॉपिंग तो वो खैर करते हैं, लेकिन इस चीज़ को भी भाई देखना ज़रूरी था कि अब क्या प्राइस चल रही है, क्योंकि हमारी साइड तो अभी काफ़ी हाई लेवल पर काम जा रहा है, लेकिन इंडियन साइड देखना भी ज़रूरी, क्योंकि आखिर वो जो बातें होती हैं वो सुनते तो रहते हैं लेकिन अब वो सुनने को भी नहीं मिलती और जो बोलता है उसको गाली भी देते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही ये मार्केट में जाके ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं नेशन टॉक चैनल वाले, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको उनके दूसरे भी और वीडियोस देखने हैं तो। और शायद इनको पाकिस्तान से कुछ कमेंट्स आए होंगे इसीलिए इन्होंने मार्केट में जाके सबकी प्राइस पूछी और
वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो और भी जो खाने की चीज़ें रमज़ान के समय लोग खरीदते हैं, तो उसकी प्राइसेस उन्होंने पूछी और सबका जवाब यही था कि सस्ता ही है और जो प्राइस है वो इस त्यौहार के समय पर भी बड़ी नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिस त्यौहार पे जो चीज़ें बिकती है उसको इसकी प्राइसें प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्राइसेस भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि लोग खरीदने ही वाले हैं क्योंकि उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन ये वीडियो और हमने एक और भी वीडियो देखी थी, तो उन्होंने मार्केट में सबसे पूछा था तो वही सेम प्राइस थी जो त्यौहार से पहले थी। तो ये अच्छी बात है कि लोगों को जो चीज़ें चाहिए इस त्यौहार के समय में, तो वो शॉपकीपर्स प्राइसेस नहीं बढ़ा देते उनका फ़ायदा उठाने के लिए। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।